जी बिल्कुल। तो अभी हम कांग्रेस से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपसे जानना चाहूंगी संदीप जी, मैं आखिर आपको क्यों जनता वोट देगी, क्या किया है आपने जो जनता अब आपको सत्ता में लाएगी। जनता ने 2018 में सांची विधानसभा में कांग्रेस को ही वोट दिया था। आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सिंधिया जी के साथ मिलकर गद्दारी कर कई उनके 28 मंत्रियों विधायकों ने 35-35 करोड़ रुपए लेकर सांची विधानसभा की जनता का मत को करोड़ों रुपए में बेच दिया था। अब पिछली बार भी कांग्रेस को दिया था 2018 में, और अब जो 2023 में है अभी भी कांग्रेस को ही देगी, और इस सीट से 50,000 वोटों से ज़्यादा से कांग्रेस जीतेगी। और 2019 का मैं आपको जो उपचुनाव का ये बात कर रहा है भाजपा वाले कि हम उपचुनाव में 63,000 से जीत गए, तो ये सीधा सीधा आरोप है हमारा भाजपा पर और भाजपा की सरकार पर और सरकार की मशीनरी पर। सरकार की मशीनरी और धनबल और बाहुबल का उपयोग करके हमारे प्रत्याशी को हराया है, ये सीधा आरोप है इन लोगों पर। और इस बार देखना आप 23 में भारी मतों से कांग्रेस जीतेगी। चलिए ठीक है, कांग्रेस के कुछ और लोग भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता आपको वोट क्यों देगी और कौन से आपके मुद्दे रहेंगे जो आपको लगता है कि जनता का दिल आप वाकई में जीत पाएंगे और कांग्रेस की वापसी होगी। आदरणीय लोहिया जी ने कहा, जैसा कि मध्य प्रदेश के अंदर 26.5 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए और सांची विधानसभा के अंदर 16,500 किसानों के कर्ज माफ हुए जो ऑन रिकॉर्ड है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के नाम है। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का काम कमलनाथ जी ने किया। संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी। आदरणीय लोहिया जी से मेरा सवाल है कि आपने कहा कौरव और पांडव, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि शकनी कौन है जो इस शक्कर को पानी में नहीं घुलने दे रहा है। आप इस सवाल का जवाब कम से कम दें ताकि कांग्रेस को पता चले कि ऐसा कौन शकनी है। बिल्कुल, जवाब तो आपका जवाब जरूर लेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, क्या आप लोगों में से कोई कुछ अपना अपनी बात अपना पक्ष रखना चाहता है? जी तो जल्दी जल्दी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? असलम खान। कितनी तैयारी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है? मैडम पूरी तैयारी हमारी पार्टी जीतने के लिए है, क्योंकि पिछले जो हमने 18 महीने में जो काम करे इनने नहीं करे। 300 रुपये विधवाओं को मिलते थे, हमने 600 रुपये देने का काम करा है। ये 600 से 1,000 नहीं कर पाया। अगर गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो हम 1,000 करते। आज लड़कियां दर दर मारी मारी फिर रही हैं, 50,000 रुपये के लिए उनके बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन 50,000 रुपये शादी के लिए लोग नहीं दे पा रहे। कमलनाथ जी ने 25 से 50,000 करे थे और सारी लड़कियों को मिलते थे, उसमें बीजेपी और कांग्रेस का ही नहीं थी। जिसकी बच्ची की शादी होती उसको 50,000 रुपये में पार्षदता मैंने कई लड़कियों को उपलब्ध करा बीजेपी वालियों को। लेकिन ये कांग्रेस के पार्षद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कमलनाथ की योजनाओं के बारे में, बताया किस तरीके से काम किया। हमारे साथ बीजेपी से भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव, पार्षद हूं। कितना तैयारी बीजेपी ने इस बार कर रखी है और क्या लगता है कितने वोटों से जीत हासिल करेंगे? पिछली बार 63 से जीते थे, तो इस बार उससे ज्यादा ही जीतेंगे, क्योंकि हम यहाँ नहीं पूरे मध्य प्रदेश में 200+ का हमारी पार्टी का नारा और 200+ जाएंगे। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि 51,000 रुपये पहले मिलते थे, सरकार ने बंद नहीं करे हैं, उनको जानकारी नहीं है, बंद नहीं करे हैं। सरकार ने ये तय किया पहले क्या होता था, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और इनने क्या फर्जी तरीके से पैसे निकालते थे जो इन्हीं के समुदाय के कुछ लोग थे। आप पूरी बात से भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से तैयारी की जाए। उसका पूरा तरीका बहुत अच्छी तैयारी है हमारी, और 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी 200+ के साथ, 200+ के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं बीजेपी के द्वारा, तो जवाब भी कांग्रेस से ले लेते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? जी प्रश्न को पुनः बताइए। प्रश्न देखिए, सबसे पहले तो शांति, केवल रोजगार का प्रश्न सबसे बड़ा है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार इस भारतवर्ष में है, और इस भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगार वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो बेरोजगारी के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही, केवल एक प्रश्न का जवाब दे दें बस।